दोस्तों आ चुका हूँ फिर से आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेकर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको अमेज़ॉन के एक न्यू ऑफ़र के बारे में जानकारी दूंगा दोस्तों, जो अमेज़ॉन पर आया है। दोस्तों अमेज़ॉन पर ऑफ़र आया है कि अगर आप एक रुपये किसी को भी सेंड करेंगे तो आपको 2400 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा। दोस्तों उस ऑफ़र के बारे में आपको जानकारी दूंगा और दोस्तों साथ में मैं आपको एक और जानकारी दूंगा। दोस्तों आपको ये ऑफ़र अगर नहीं मिला है तो आपको ये ऑफ़र कैसे लेना है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों मैं शुरू से ही कुछ ना कुछ अलग टाइप की वीडियो लाता हूं, तो आज कुछ अलग टाइप का ही आपको सिस्टम यहां पर देखने को मिलेगा। सिस्टम ऐसे मिलेगा कि आपको वो ऑफ़र कैसे मिलेगा, किन यूज़र को ऑफ़र मिल रहा है और क्यों मिल रहा है। और दोस्तों साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको अगर ये ऑफ़र नहीं मिला है तो आपको ये ऑफ़र कैसे लेना है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों अगर आप इन ऑफ़र्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको सॉरी कहता हूं, दोस्तों ये वीडियो मैं थोड़ी सी देरी से ला रहा हूं। दोस्तों देरी से इसलिए वीडियो आ रही है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे यहाँ पर भी एक एग्ज़ाम आ रहे हैं दोस्तों, इसलिए लेट भी लाए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे ही नहीं कहने वाला हूँ कि आ रहे हैं ये वो हैं। दोस्तों यहाँ पर कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सीधा जानकर देता हूँ। दोस्तों अमेज़ॉन पर दोस्तों कुछ दिन पहले एक ऑफ़र आ चुका है। दोस्तों ऑफ़र 30 नवंबर तक चलने वाला है। दोस्तों आपको एक रुपये किसी को भी सेंड करना है और आपको काफ़ी सारे ऑफ़र कलेक्ट करने को मिलेंगे। दोस्तों इस ऑफर में किसी को रिचार्ज वाला बेनिफिट मिल रहा है, किसी को मिल रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल पर कैशबैक, किसी को मिल रहा है डीटीएच ओनली, किसी को मिल रहा है आर सिस्टम पर ही। दोस्तों जैसे कि आर कैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पर भी कैशबैक मिलेगा, रिचार्ज भी मिलेगा, मतलब कि इनमें से कोई भी एक करोगे तो आपको कैशबैक मिल जाएगा। दोस्तों मैंने अपने एक फ्रेंड के अकाउंट पर ये ऑफ़र ट्राई किया तो दोस्तों उसको मिला 50 रुपये का कैशबैक। दोस्तों कैशबैक कैसे मिला कि अगर वो 100 रुपये का रिचार्ज करेगा तो उसको 50 रुपये कैश मिलेगा। दोस्तों वो ऑफर 3 मंथ का उसको मिलता रहेगा, इस मंथ मिलेगा, उसके बाद नेक्स्ट मंथ ही मिलेगा, उसके बाद नेक्स्ट मंथ ही मिलेगा, तो ऐसा ऑफर उसको मिला। और मेरा एक और फ्रेंड है उसने किया वो ट्राई तो दोस्तों उसको मनी ट्रांसफर मिला, अगर वो इस मंथ मनी ट्रांसफर करेगा उसको 50 रुपये कैश मिलेगा, नेक्स्ट मंथ करके फ्री मिलेगा, अगर वो नेक्स्ट मंथ मनी ट्रांसफर करता है तो उसको फिर भी 50 रुपये का कैशबैक मिलेगा। तो दोस्तों कितना यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है। दोस्तों अगर आपको ये ऑफ़र मिला है तो आप ट्राई कर लीजिए। दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने अमेज़न पे में जाना पड़ेगा। अमेज़न पे में जाएंगे, अगर आपको ऑफ़र मिला है तो आपको ऊपर बैनर में दिखाई देगा, अगर वहाँ पर दिखाई नहीं देता तो आप नीचे जाकर देख लीजिए। अगर वहाँ पर भी दिखाई नहीं देता है दोस्तों लास्ट आप योर ऑफर्स में जाकर देख लीजिए, अगर आपको वहाँ पर दिखाई दे जाता है दोस्तों आप समझ लीजिए कि आपको ऑफ़र मिला है। अगर नहीं दिखाई देता है तो दोस्तों आपको यहाँ पर समझ लेना चाहिए कि आपको ऑफ़र नहीं मिला है, फिर आप ट्रांजेक्शन मत कीजिए अगर नहीं मिला है। दोस्तों अगर मिला है तो आप दोस्तों 1 रुपये से ज़्यादा मत सेंड कीजिए। दोस्तों आप कीजिए 250 रुपये सेंड। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप 10 रुपये सेंड करेंगे तो दोस्तों आपको ऑफ़र मिलेगा, आपको ऑफ़र तो मिलेगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 250 रुपये किसी भी यूपीआई पर सेंड कर दीजिए। दोस्तों मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दोस्तों अगर कोई हिडन ऑफ़र भी होगा ना तो आपको ये ऑफ़र तो मिलेगा मिलेगा, साथ में उस ऑफ़र का भी कैशबैक मिल जाएगा। दोस्तों अमेज़न पर कोई कोई बग भी आता रहता है तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप 250 रुपये सेंड कर दीजिए। अगर कोई बग वगैरह होगा या कोई हिडन ऑफ़र भी होगा तो आपको वो भी मिल जाएगा और आपको ये ऑफ़र तो मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों आप 250 रुपये सेंड कर देना, दोस्तों आपको फिर कूपन मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आपका लक अच्छा है तो आपको मनी ट्रांसफर मिल जाएगा, अगर आपका लक थोड़ा सा कम अच्छा है तो आपको मिल जाएगा वैली रिचार्ज वाला, अगर आपका लक उससे कम अच्छा है तो दोस्तों आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह वाला ऑफ़र मिल जाएगा। तो दोस्तों अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग बंदों को अलग अलग ऑफ़र मिल रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ऑफर मिला तो आप ट्राइन कर लीजिए, और ट्राइन करने के बाद आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो के नीचे कि आपको कौन सा यहाँ पर वॉचर मिला, आपको कौन सा यहाँ पर ऑफ़र कलेक्ट करने के लिए मिला। दोस्तों इसके बारे में कमेंट करके आप जरूर बताना क्योंकि दोस्तों मेरे को पता चले और मेरे को भी थोड़ी सी खुशी मिले इससे। दोस्तों मैं बात करता हूँ अगर आपको ऑफ़र नहीं मिला है तो आपको कैसे लेना है। दोस्तों ये ऑफ़र दोस्तों काफ़ी कम यूज़र को मिला है, लेकिन दोस्तों अगर आपको नहीं मिला ना तो दोस्तों अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है जिस पर आपने अभी तक अमेज़ॉन का अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो दोस्तों आप उस पर अमेज़ॉन का अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। और दोस्तों अगर अकाउंट क्रिएट किया है और अगर आपने अभी तक वो अकाउंट यूज़ नहीं किया है, आपने UPI उस पर नहीं बनाई है, तो आप उस पर बना लीजिए। दोस्तों या तो आप नया अकाउंट बना लीजिए या अगर आपका बना है तो उसे UPI लिंक कर लीजिए, आप UPI बना लीजिए। तो दोस्तों आपको ऑफ़र 100% मिलेगा। दोस्तों नए बंदों को सबको ये ऑफ़र मिला है। दोस्तों कल ही मैंने 2 नए अकाउंट बना कर दिए अपने फ्रेंड को और दोस्तों उनको ये ऑफ़र मिला है। दोस्तों अगर आपके पास कोई ऐसी सिम पड़ी तो उस पर आप अमेज़न का अकाउंट बना लीजिए और अपना बैंक अकाउंट लिंक कर दीजिए और दोस्तों आप 250 रुपये सेंड कर दीजिए। दोस्तों एक तो आपको 50 रुपये फर्स्ट टाइम के लिए मिल जाएंगे और साथ में आपको वाउचर मिल जाएंगे, साथ में आप ऑफ़र भी कलेक्ट कर लेना, तो आपका यहाँ पर फ़ायदा काफ़ी हो जाएगा। और दोस्तों आप साथ में 31 रुपीज़ का और भी फ़ायदा ले सकते हैं, आप अगर अपने रेफर लिंक से आकर अकाउंट बनाएंगे तो आपको वहाँ पर भी 31 रुपीज़ मिल जाएंगे। दोस्तों आपका कितना फ़ायदा होगा, दोस्तों अगर आपको ऑफ़र नहीं मिला तो आप ये कर लीजिए, ये करेंगे तो आपको ऑफ़र मिल जाएगा, आप फिर लुत्फ़ उठा सकते हैं।
तो दोस्तों आज की वीडियो यहाँ तक थी, मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको ऑफर नहीं मिला तो आपको कैसे मिलेगा, अगर आपको मिला तो आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलेंगे। तो दोस्तों अगर ऑफर मिला है तो अप्लाई कीजिए, अप्लाई करने के बाद आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको क्या इस ऑफर मिला, कौन से आपको कूपन मिलेंगे, क्या आपको कैसे मिला या मिला है। दोस्तों आप जरूर इसके बारे में वीडियो के नीचे कमेंट कर बताइए। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छी थी वीडियो को लाइक कर दीजिए।